रक्षा राम पाल की करो, मेरे कंठ बैठियो आए। हरि दर्शन को तरसे नैन और मन बाध हरे न धीर, हरि बाबा संकट हरो सुबैठे गंगा के तीर। जय 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 बजरंग बली, कृपा करो निको आए। आसन आए विराजियो देव मेरे कृपाल। आदरणीय श्रोता बंधु, आज हम हरि बाबा कैसेट कंपनी के माध्यम से एक पावन कथा लेके चल रहे हैं, जो राजा बली के बारे में जनता की बेहद मांग पर एक कार्यक्रम लेके चल रहे हैं कि राजा बली किस प्रकार के राजा हैं और उन्होंने भगवान नारायण को दान दे करके अपना संसार में किस तरह से यश को फैलाया। जब समाप्त ये हो चुका देवासुर संग्राम, राजा बली उस युद्ध में गए वहां स्वर्ग धाम। जब देवासुर संग्राम हुआ भक्तों, तो राजा बली उस संग्राम में स्वर्ग लोक के लिए चले गए। और जब स्वर्ग लोक के लिए राजा बली चले गए, गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी बूटी विद्या को पिला करके राजा बली को जीवन दान दे दिया। भक्तों, एक बली भूप बलवान सुनो धर ज्ञान सकल सरदारी, और शुक्राचार्य ने जीवन दान दयो अभूप बलधारी। और होनी कैसे हो जाती है सबके लिए बताएंगे, और रामपाल यादव बरोरा वाले भजनों में समझाएंगे। बेटा सूरज चेतन करिए मिलके साज बजाएंगे, और बड़े भ्रात सत प्रकाश दी हाँ मिलन का बली को जैसे जीवन दान मिला, और जीवन दान मिलने के बाद भक्तों विचार करने लगा, अब हम संसार में एक ऐसा यज्ञ रचाएंगे जिससे कि बहुत बड़ा संसार में हमारा नाम होगा। बंधुओं, कि इंद्रासन को हमें जीतना है और सब गुरु से कही समझाइए। राजा बली कहने लगा, गुरुदेव हमें इंद्रासन चाहिए। गुरुजी कहने लगे, शुक्राचार्य बेटा इंद्रासन कोई बड़ी बात नहीं है, इंद्रासन बड़ी बात तो नहीं, एक झटका में तुम्हें दिलाएगा उस इंद्र देव को मंत्रों से, बेटा हम धूल मिलाए डाले।
इंद्रदेव की चलत कहा, उस इंद्रदेव की चलत कहा, सब देवों पे अधिकार जमाएंगे। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य की बात को सुनकर के कहा, बेटा अरे उस इंद्र देवता की क्या चलती, हम सभी देवताओं पर अपना अधिकार जमा लेंगे। महाराज बलि कहने लगे, गुरुदेव वो आप अधिकार कैसे जमाएंगे? तो कहने लगे गुरु शुक्राचार्य, बेटा आप एक भव्य यज्ञ की रचना कीजिए। कही गुरु समझाए सुनो चितलाई अरज एक मेरी, तुम देवे भूप समझाए रे ना करो पलकिया देरी। इंद्र देवता से गुरु शुक्राचार्य बोले, समझा के बेटा आप पल की देर नहीं कीजिए। अरे सुंदर देखो धाम, और सुंदर देखो धाम बने जा, काम करो मत देरी, करो मत देरी। और राजा बल की मति गुरु ने फेरी, समझा करके बेटा एक सुंदर स्थान ढूंढिएगा, और जहां सुंदर स्थान ढूंढोगे उस सुंदर स्थान पर आपको क्या करना है? कहने लगे गुरुदेव, कहो हमें क्या करना है? बेटा ऐसा ही नहीं, महादेव में यागी रचाई है मेरी, एक समझ में आई कहने लगे समझा करके गुरु शुक्राचार्य अपने शिष्य बलि से, बांधे में यागी रच आई है मेरी, एक समझ में आई है। ले इंद्रासन को पाई है राजा ने खुद, को सुन करके महाराज बलि को बहुत बड़ा खुशी का समाचार मिला। कहने लगे ठीक है, आज गुरुजी हम तुम्हारे ही आदेश के अनुसार भृगु कक्ष क्षेत्र में सुंदर यज्ञ की रचना करेंगे। राजा बलि यज्ञ की रचना करने लगे, बड़े बड़े सुंदर महात्मा उस यज्ञ में बैठे हुए हैं। भृगु कक्ष क्षेत्र में यज्ञ चल रहा है, 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वें यज्ञ की तैयारी है। ऐसा ही नहीं भक्तों, रयो राजा यज्ञ रचाए, जहां बैठे बड़े बलधारी हैं। लला जितेंद्र महाराज बलि भृगु कक्ष क्षेत्र में यज्ञ की रचना करने लगे। रयो राजा यज्ञ रचाए, बड़े 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 तपधारी बड़े बड़े तपेश्वरी महात्मा उस यज्ञ में
और महाराज बलि यज्ञ की रचना कर रहे हैं। गुरु शुक्राचार्य उस यज्ञ को करा रहे हैं। अरे राजा ने दयो हुकम लगाई, राजा ने, अरे राजा ने दयो हुकम लगाई, राजा, अरे दीनों यज्ञ भू पर रचवाई, दीनों, और दिल में रहे खुशी मनाए मनाए जहां बैठे बड़े बलदारी, रयो राजा यज्ञ रचा जहाँ बैठे बड़े बलधारी हैं, अरे देखी दसाए देव घबड़ाने, देखी दसाए देव घबड़ाने, स्वर्ग छोड़े मृत्यु लोक ठिकाने, स्वर्ग छोड़े मृत्यु लोक ठिकाने, दिल में एक आवे एक जाए, अरे जाए बड़े 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 तपधारी है, बलि ने भव्य यज्ञ की रचना को किया तो देवता अपने स्वर्ग को छोड़ करके भागने लगे, और जब स्वर्ग को छोड़ करके भागने लगे उधर भगवान की प्रार्थना करने लगे, उधर राजा बलि के यज्ञ की चर्चा तीनों लोकों में फैल गई। राजा ने इंद्रासन पर अपना अधिकार जमा लिया, और दोस्तों देवताओं का ये दुख कश्यप ऋषि और अदिति पर नहीं देखा गया। दोनों कश्यप ऋषि और अदिति अपने पुत्रों का दुख देख करके भगवान नारायण की पूजा करने लगे। हे नारायण, हमारे ऊपर बहुत भारी मुसीबत है, आप हमारे पुत्रों की मुसीबत को दूर कीजिए। और उधर दोनों हाथ जोड़ करके कश्यप ऋषि से इंद्र देवता जाकर के बोला, प्रभु भूप बलि बलवान रे मेरो राज्य छीन लयो आई, और स्वर्ग लोक से सब देवन दियो पिताजी यहाँ भगाई, महाराज स्वर्ग में राक्षस पहुंचे जाए सभी देव गए मृत्यु लोक में वीरन यहाँ पे आए, भैया सुने भूप के बहन आँख में आंसू आए गए, किरण सुने देवन के बहन पिता के आंसू आए गए, अरे आंसू आए गए रे ऋषि के आंसू आए गए रे ऋषि के आंसू आए गए, बीजन सुने ललन के बहन ऋषि के आए गए, आज इंद्र देवता कश्यप ऋषि के दोनों हाथ जोड़ करके बोला, पिताजी क्षमा करना, देवताओं ने हमारे इंद्रासन पर अधिकार कर लिया,
और अधिकार करने के बाद में हम सब देवता पृथ्वी पर आकर के त्रायमान त्रायमान कर रहे हैं। भक्तों उधर कश्यप ऋषि ने जैसे अटल समाधि को लगाया, भगवान ने दर्शन दिए और कह दिया ठीक है प्रभु, महात्मा जी हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हारे घर में अवतार लेकर के देवताओं के दुख को दूर करेंगे। आज भक्तो ऐसा ही नहीं, अरे लीनी अटल समाधि लगाई, अरे अपने तन को रे जलाई, करी तपस्या विष्णु की जाई, और करी तपस्या नारायण की, दिल में एक यावरे और स्वर्ग छोड़ के सभी रे देवता मृत्यु लोक में पहुंच गया, जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे तब तब धरे मनुज अवतार, अदिति कश्यप ऋषि दी भैया हरि चरणन रे ध्यान लगा, कर ले हरे को भजन ही अन्न दुई दिन को मेला है, भैया कर ले हरे को भजन ही अन्न दुई दिन को मेला है, सूरज कर ले हरे को भजन ही अन्न दुई दिन को मेला है, आज कश्यप ऋषि की आवाज जैसे उनके कानों में पहुंची, भगवान नारायण एक बामन का रूप धारण करके सामने आके खड़े हो गए, और जैसे सामने आकर के खड़े हो गए कहने लगे कहो महात्माओं तुम्हारा क्या दुख है। कहने लगे आप चिंता ना कीजिए प्रभु, हमारा बहुत बड़ा दुख है और इससे आगे की कथा हमारे बोलियम नंबर 2 में सुनेंगे, किस प्रकार भगवान विष्णु ने जाकर के बलि के दरवाजे पर दान मांगा। धन्यवाद।